प्रिथला के गांव हीरापुर के शहीद जय भगवान राजकीय मिडिल पाठशाला में किया शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का अनावरण। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और प्रिथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत रहे मौजूद। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सदैव जवानों और शहीदों का सम्मान किया है और साथ ही किसानों को भी बीजेपी सरकार में पूरा सम्मान दिया गया है, लेकिन आज जो किसान है वो अपने खेतों में लगे हुए हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो किसान बनकर धरने पर बैठे हुए किसान को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। भाई मेरे छात्र नैनपान विधायक चेयरमैन है और हीरापुर गांव की तमाम बस्ती सभी मित्र साथियों और जो शहीद हैं उसको नमन करा है और शहीद परिवार का सम्मान करा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ग्राम हीरापुर को क्या कुछ नई सौगात मिली? जो हीरापुर कहेगा वही दे देंगे। दूसरा, किसान धरने पर हैं, हाईवे के कुछ रोड बंद हैं, कितना नुकसान सरकार को हो रहा है? किसान खेत और खलिहान में काम है, हीरापुर गांव भी तो किसानों का ही है। ये धंधे पर कोई नहीं, हीरापुर गांव का वो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, प्रेरित हैं वो लोग हैं धरने पर। ना पलवल में कोई धरने पर है, ना फरीदाबाद में, ना रेवाड़ी, ना महेंद्रगढ़, ना मेवात, ना पंचकुला, वही लोग हैं तो दूसरी पार्टियों के दल हैं जिनको नीति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।